हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंटीज इन्फेक्शन 123 में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ एम्स पंजाब रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है फ्रेंड्स, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, वक्फ वक्फ पोस्ट लाइन नोटिफिकेशन है। ग्रुप ए में पोस्ट है फ्रेंड्स। सैलरी की बात करेंगे तो 67,000 से लेके 2,18,000 तक। लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 जून 2024, उससे पहले अप्लाई करना है फ्रेंड्स। बाकी उम्र सीमा क्या होगी सब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चल स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये पोस्टें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा की तरफ से निकाली गई हैं, जिसमें वैकेंसी नोटिस रोलिंग ऑन द डिपोटेशन फॉर एम्स बठिंडा। एप्लीकेशन वाइटेड फॉर द प्रिस्क्राइब फॉर्मा फिलिंग ऑफ ग्रुप ए पोस्ट डेपोटेशन बेसिस प्रेफरेंस, जिसमें फर्स्ट पोस्ट हमारी ग्रुप ए में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है। इसमें सैलरी आपको 1,44,000 से लेकर 2,18,200 प्लस NPA वन पोस्ट है। फिर प्रेफरेंस सेकेंड पोस्ट है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की, इसमें सैलरी 1,23,000 से लेकर 2,15,000 वन पोस्ट है फ्रेंड। प्रेफरेंस हमारी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में, इसकी सैलरी 67,700 से लेकर 2,08,700 वन पोस्ट है फ्रेंड्स। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में वन पोस्ट है, इसमें सैलरी 67,700 से लेकर 2,08,700 तक। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये पोस्टें आपको थ्रू प्रॉपर चैनल 30 डे आफ्टर पब्लिकेशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर में सबमिट करना है फ्रेंड्स, थ्रू द प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट सेंड टू डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंडी दबावली रोड बठिंडा पंजाब। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबमिट करना है फ्रेंड्स। आई विल कंसर्न ऑन द ओरिजिनल अप्लीकेशन फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग वन एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकेंड थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। अ पर्सन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MD MS। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए फ्रेंड्स एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल स्टेट यूनियन मेंबर टेरिटरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज सेंट्रल सिचुएटेड ऑटोनॉमी बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 5 ईयर का एक्सपीरियंस, ग्रेड पे 7600 होनी चाहिए फ्रेंड्स, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विद 10 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड पे 66,600। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में फ्रेंड्स ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट ऑटोनॉमस बॉडीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनुअल पोस्ट रेगुलर बेसिस पे। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल विथ 5 ईयर का रेगुलर बेसिस पे आप ग्रेड पे 5,400 एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का। जूनियर इंजीनियर अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है फ्रेंड्स तो 7 ईयर का रेगुलर सर्विस ग्रेड पे 4,600। इलेक्ट्रिकल में फ्रेंड्स ऑफिसर अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टिंग होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सेम रखे गए हैं फ्रेंड्स जो सिविल के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।